अब बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन फलन fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स बिंदु x बराबर पाई पर संतत तो है, परंतु इसी बिंदु x बराबर पाई पर अवकलनीय डिफरेंशिएबल नहीं है। ये हमें सिद्ध करना है। जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में आपको समझाया था कि कोई फंक्शन किसी बिंदु पर यदि संतत है तो ये आवश्यक नहीं है कि वह अवकलनीय नहीं है। इसी पर आधारित बच्चों ये प्रश्न पर आप सीधे पाएंगे और सीधे समझेंगे कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल सच है कि ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक संतत फलन उस बिंदु पर जिस बिंदु पर वो संतत था वो अवकलनीय हो। वो अवकलनीय हो भी सकता है, अवकलनीय नहीं भी हो सकता है। इसी पर बच्चों ये इसका हल अब प्रस्तुत है। बच्चों अब अवकलनीयता पर आपने अभी तक 6 सवाल देखे, अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों ये बात कही गई है कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है, मॉड ऑफ साइन x है। इसकी जो अवकलनीयता की जांच हमें x बराबर पाई बिंदु पर इस फंक्शन की अवकलनीयता की जांच करना है, x बराबर पाई पर अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता की जांच हमें करना है। तो बच्चों निश्चित रूप से आपको समझ रहा होगा कि x बिंदु पाई है और एक मापांक फलन है जिसको मैं समीकरण नंबर 1 कह देता हूं, और यदि आप साइन के ग्राफ पर हम गौर करें तो आपको मालूम है ग्राफ पर बहुत सारे बच्चे घबराते हैं, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको 9-10 की कंसेप्ट पर मैं ग्राफ बताने की कोशिश करूंगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ x बराबर 0 है तो साइन 0, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन 90 x बराबर यहाँ पाई बाई 2 है डोमेन का एक, ये वैसा देखा जाए तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो उसके डोमेन में से एक बिंदु x बराबर पाई बाई 2 हमने चुना। फिर ये आपको साइन 180 की वैल्यू 0 मालूम होगी, तो ये देखिए 0 है, और इसी तरह से और आगे बढ़ेंगे तो साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 होती है, ये -1 है, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। तो आपको ये ग्राफ साइन का आसान लग रहा होगा। आप वो वही बात है जो साइन 0 की वैल्यू 0 है, ये देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो ये वास्तव में ये जो ग्राफ खींचा गया है ये y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का खींचा गया है। लेकिन यहाँ बात मापांक साइन के मापांक की है, तो जब मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ की बात करेंगे तो वो कभी निगेटिव नहीं होगा। तो ये जो डॉटेड मैं खींच रहा हूं वो ये दोनों जो होंगे वो मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है। तो बच्चों आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि ये तो पॉजिटिव वैल्यू मापांक साइन एक्स में रहेगा ही, और ये जो नेगेटिव ग्राफ में आ रहा है y के y डैश है, ये y है और ये x डैश है, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा, वो मापांक फंक्शन का ग्राफ है। चलो ये बात तो स्पष्ट हो गई। यहाँ पर तो x बराबर पाई पर हमें कॉन्सेंट्रेट होना है, यानी ये बिंदु हमारे लिए मुख्य है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ जो साइन एक्स है वो
साइनेक्स कब होगा? जब साइनेक्स ग्रेटर देन जीरो हो। ये जीरो कब होगा? जब साइनेक्स इक्वल टू जीरो हो। और ये माइनस साइनेक्स कब होगा? जब साइन एक्स लेस देन जीरो हो। तो ये जो मापांक फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके आधार पर मैंने सरलतम रूप इसका आपके सामने रखा है। तो कुल मिला के हम ये समझ रहे हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स की जो वैल्यू है वो हमको दिख रही है। साइन एक्स कब होगी? जब x की जो वैल्यू है वो जीरो से ज्यादा हो और पाई से कम हो। ये आपको ध्यान रखना है। पाई से कम होगा तो साइन एक्स जैसे साइन जीरो साइन 90 कितना है? 1 है। और ये जीरो कब होगा? जब एक्स की वैल्यू जो है वो इस हिसाब से एक्स बराबर जीरो हो। और माइनस साइन एक्स कब होगा? ये नेगेटिव कब होगा? जब पाई से एक्स की वैल्यू ज़्यादा हो और 2π से कम। तो बच्चों, आपको जो बात की कही जा रही है कि अवकलनीयता की जांच करने कह रहा है, और इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखे होंगे कि हमें मूल बिंदु x बराबर पाई पर कॉन्सेंट्रेट होना है, और जो मापांक फलन मॉड x मॉड ऑफ साइन x है उसकी इसी बिंदु पर पहले हमें संततता की जांच भी करना है। संततता यानी इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि x बराबर पाई पर मॉड साइन x जो है संतत है और अवकलनीय है कि नहीं, ये भी हमें देखना है। तो पहले हम संततता यानी कंटिन्यूटी की हम जांच करके देखेंगे। तो पहला काम आपको मालूम है कि हम क्या करते हैं। बिंदु x बराबर पाई पर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और आपको मालूम है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है वो किस तरह से शो करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू पाई माइनस, इस बिंदु जो ग्राफ में दिख रहा है पाई से लेफ्ट के तरफ से हम इस की लिमिट निकालेंगे। इस एक्सटेंडिंग टू पाई का ऊपर माइनस का मतलब है कि पाई से हम कम बिंदु को लेंगे, जैसे 180 से कम 189 डिग्री और 179 डिग्री 140 से हम पाई की तरफ 180 की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो यानी पाई से कम यानी x लेस देन पाई से हम पाई की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इनिशियल वैल्यू पाई से कम है और आप इस ग्राफ में जो हमने ग्राफ के थ्रू उस फंक्शन की परिभाषा को जो डिफाइन किया है आप देख रहे हैं यहाँ कि पाई से कम होने पर साइन एक्स की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस के जगह मुझे साइन एक्स लेना पड़ेगा। अब लिमिट को सिंप्लीफाइड करने के लिए आपको मालूम है कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट पाई माइनस लेते हैं तो एक्स बराबर हम मानते हैं माना एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एच। और चूंकि आपको मालूम है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई से कुछ कम है, ये तभी पॉसिबल है जब लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस हो। तो ये लिमिट सिंप्लीफाई करने के लिए ये आइडिया है।
अब बाकी आपको ये समझना है कि पाई के ऊपर माइनस का मीनिंग क्या है। पाई से कम से हम पाई की तरफ अग्रसर होते हैं उसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे, बिंदु एक्स बराबर पाई पर मॉड साइन एक्स की वैल्यू की लिमिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमको कैलकुलेट होती दिख रही है, तो लिमिट यहाँ एच टेंडिंग टू जीरो होगा, लिमिट को हम सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, जीरो के ऊपर प्लस यानी एच का मान थोड़ा सा ज़्यादा होगा तभी पाई की एक्स की वैल्यू पाई से कुछ कम होगी तभी वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। और ये साइन एक्स है तो इसका मतलब साइन हम इसको पाई माइनस एच लिखेंगे। अब इस लिमिट को और आगे सिंप्लीफाइड करने पर देख रहे हैं आप कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस है और साइन 180 माइनस एच साइन एच ही होता है। और जब हम लिमिट लेंगे जीरो प्लस का मतलब है जीरो से ज़्यादा से हम जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, कुल मिला के एच टेंडिंग टू जीरो है, जीरो के बहुत नज़दीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब मुझे मिल रही है वो है साइन ऑफ जीरो यानी जीरो। ये समीकरण नंबर एक है बच्चों। तो बच्चों ये जो इक्वेशन नंबर एक का ही रूप है जो इस फॉर्म में आपने देखा उसको मैं इक्वेशन नंबर टू कह देता हूँ। और आपने अभी देखी कि लेफ्ट हैंड जो लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन की मापांक फंक्शन की वो आपने जीरो देखी, इसको समीकरण नंबर हम तीन कह देते हैं। अब एक्स बराबर पाई पर, एक्स बराबर पाई पर वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स की राइट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे आपको क्लियर है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस का मतलब फिर मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि यहाँ आप ग्राफ पर देखिए पाई से ज़्यादा यानी पॉजिटिव से प्लस इन्फिनिटी से पाई से ज़्यादा से हम पाई की तरफ अग्रसर होते हैं तब हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। और पाई से कम पर से हम पाई की तरफ अग्रसर होते हैं उसको लेफ्ट हैंड लिमिट इस फंक्शन की कहेंगे। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा, माना एक्स बराबर जी पाई प्लस एच, पाई से ज़्यादा। और चूंकि यहाँ स्पष्ट है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस कहा जा रहा है, कुछ इनिशियल वैल्यू पाई से उसकी ज़्यादा है, तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये लिमिट को सिंप्लीफाइड करने के लिए है। और फंक्शन की जो डेफिनेशन है, मॉडिफाइड डेफिनेशन है, ग्राफ के थ्रू जो हमने कैलकुलेट करके बताया आपको, उसमें हमको दिख रहा है कि फंक्शन जो है मापांक मॉड ऑफ साइन एक्स परिभाषित है इस लिमिट पर पाई से ज़्यादा पर, पाई से ज़्यादा पर एक्स यदि होता है तो साइन मॉड साइन एक्स की वैल्यू ग्राफ में भी दिख रही है, ये देखिए नेगेटिव है, और पाई से कम पर ये देखिए पॉजिटिव है, तो वहाँ पॉजिटिव लिखे थे। तो यहाँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस के केस में हम एफ एक्स के जगह मॉड साइन एक्स के जगह साइन एक्स लेंगे, माइनस साइन एक्स लेंगे। एक देखिए ग्राफ में पाई से ज़्यादा पर नेगेटिव है तो माइनस साइन एक्स लेंगे मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू। तो इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए आगे जो प्रक्रिया की जाएगी, आप देख रहे हैं कि हमने किस तरह से माना है, तो निश्चित रूप से यहाँ इसमें इसको कैलकुलेट करने के लिए लिमिट हम कहेंगे एच टेंडिंग टू जीरो प्लस कहेंगे और ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स को हमने क्या माना है पाई प्लस एच, 180 धन थीटा। आपको साइन मालूम होगा कि पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर जब हम इसकी लिमिट को सिंप्लीफाइड करेंगे आर एच एल हम
सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस करेंगे और ये माइनस है और साइन पाई प्लस एच क्या होगा, माइनस साइन एच होगा। तो नो डाउट कि ये जो आर एच एल सिंप्लीफाइड होके हमें दिख रहा है वो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस और ये प्लस प्लस हो गया साइन एच ही होगा। और जब इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो साइन जीरो, जीरो प्लस का मतलब एच टेंडिंग टू जीरो से ज़्यादा पर हम जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, यानी एच जीरो की तरफ ही अग्रसर है। इसमें कंफ्यूज मत होइए कि ये जीरो के ऊपर प्लस है तो जीरो से ज़्यादा है क्या, वो जीरो से ज़्यादा से जीरो की तरफ अग्रसर होते हैं होता है तब हम उसको एच टेंडिंग टू जीरो प्लस लिखते हैं, लेकिन वो जीरो की तरफ ही अग्रसर हो रहा है इसलिए हमने एच के जगह जीरो लिख दिया तो इसकी लिमिट हमको जीरो मिली। तो इस तरह से हमने ये देखा कि इस फंक्शन की एक्स बराबर पाई पर राइट हैंड लिमिट हमको मिल रही है जीरो। इसको हम समीकरण नंबर चार कह देते हैं। तो बच्चों आपने लेफ्ट हैंड लिमिट देखी, राइट हैंड लिमिट लिखी, अब चौथा लास्ट जो काम करना पड़ता है कि एक्स बराबर पाई पर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स है, इसकी जो वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, यानी एफ ऑफ पाई, एक्स की जगह हम पाई रख देंगे तो एक्स बराबर पाई के केस में साइन जीरो की वैल्यू जीरो है। और वैसे भी आप देखिए कि साइन पाई साइन 180 जीरो है, ये देखो एक्स एक्स को काट रहा है, वाई का मान जीरो है, इसका मतलब ये मॉड ऑफ जीरो है। और यहाँ भी आप डेफिनेशन में देख रहे हैं कि एक्स बराबर पाई पर फंक्शन की वैल्यू जीरो है तो एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू हमको जीरो मिल रहा है, इसको इक्वेशन नंबर पाँच कह सकते हैं। तो बच्चों हम इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि इसके डोमेन आर है, वास्तविक संख्या है, उसका कोई एक चयनित बिंदु पाई है, प्रश्न ये कह रहा है। तो एक्स बराबर पाई पर जो y इज इक्वल टू रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स, इस बिंदु पर संतत होगा। कहां से पता लगा, ये समीकरण नंबर तीन से कि लेफ्ट हैंड लिमिट, समीकरण नंबर चार से राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू, समीकरण नंबर पांच से एफ ऑफ पाई, तीनों वैल्यू जीरो है। और जब किसी फंक्शन की किसी बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान बराबर होता है तो हम उस फंक्शन को मॉड ऑफ फंक्शन को हम इस बिंदु पर संतत कहते हैं, कंटिन्यूस कहते हैं। बच्चों आपने देखा कि जो ये फंक्शन, प्रश्न ये कह रहा है कि एक्स बराबर ये पाई पर पाई बिंदु पर ये फंक्शन निश्चित रूप से एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स संतत है यानी कंटिन्यूस है तो है, कंटिन्यूस तो है, सिद्ध कीजिए, प्रश्न कह रहा है कि कंटिन्यूस तो है। तो हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट उस फंक्शन की और फंक्शन की वैल्यू एफ उस बिंदु पर एफ बराबर पाई सब वैल्यू जीरो थी, संतत है, ये साबित कर दिया हमने। लेकिन हमें उसकी अवकलनीयता की जांच करना है। तो अब जो हम पहला काम कर रहे हैं कि इसके डोमेन के किसी बिंदु, चयनित बिंदु एक्स बराबर पाई पर फलन जो रियल वैल्यूड फंक्शन आप देख रहे हैं वो फंक्शन जो है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स का हम आर एच डी निकालेंगे कि आर एच डी डिफरेंशियल कोफिशिएंट राइट साइड का। तो उसकी डेफिनेशन कैसी है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ पाई अपॉन एक्स माइनस पाई। और जैसे कि आपने
इसके कंसेप्ट में देखा था कि वास्तव में ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट की डेफिनेशन है, लेकिन उस बिंदु पर राइट हैंड डेरिवेटिव तभी डिफाइन होगा जब हम पाई के राइट साइड से बाई ओर से धनात्मक की तरफ से पाई से ज़्यादा से हम पाई की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उसको बोलते हैं आरएसडी। तो पाई प्लस के केस में आपको इस इक्वेशन में दिख रहा है इक्वेशन नंबर टू में कि पाई से ज़्यादा पर मॉड साइन की वैल्यू माइनस साइन एक्स है, तो नो डाउट कि इस लिमिट के केस में आरएसडी के केस में लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस के केस में हमें माइनस साइन एक्स यूज करना पड़ेगा, और माइनस एफ ऑफ पाई एक्स बराबर पाई पर मॉड साइन की वैल्यू संतत के समय भी देखा था आपने वो जीरो है अपॉन ये एक्स माइनस पाई है। तो आर एस डी को हम आर एफ ऑफ डैश पाई भी लिख सकते हैं, आर एस डी कहो ये मैथमेटिकल कोड है, एफ डैश पाई इज इक्वल टू लिमिट हमको दिख रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई। अब पुरानी बात फिर से जैसे हो गया कि एक्स बराबर मुझे पाई प्लस एच लिखना चाहिए, और चूंकि यहाँ लिमिट दिख रहा है एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस है तो नो डाउट कि दिस इम्प्लाइज लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस होगा, ये लिमिट को सिंप्लीफाइड करने के लिए ये बात कह रहा हूँ। तो इस फंक्शन की मापांक फंक्शन मॉड ऑफ साइन एक्स की आर एफ डैस ए राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू पाई हमें मिल रही है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ हम लिखेंगे माइनस साइन ऑफ पाई प्लस एच अपॉन एक्स के जगह पाई प्लस एच और माइनस पाई, नो डाउट कि पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आपको मालूम है कि साइन पाई 180 धन थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो ये जो लिमिट है आर डैश आर एफ डैश ऑफ पाई थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन आगे बढ़ रहा है एच टेंडिंग टू जीरो प्लस कहेंगे इसको, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा से हम जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और साइन आपको मालूम है कि साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, जैसे कि अभी पहले भी आपने देखा। तो दिस इज माइनस माइनस साइन एच अपॉन एच मिलेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसकी जो लिमिट है एच टेंडिंग टू जीरो प्लस साइन ऑफ एच अपॉन एच होता है। तो ये जो लिमिट है आपने लिमिट 11th क्लास में पढ़ा है, तो आर एस डी हमें मिल रही है वो उसको हम आर एफ डैश एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू पाई लिख रहे हैं तो वो मिल रही है 1। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर आप अल्फा कह दें इसको, क्योंकि 1, 2, 3, 4 बहुत सारे इक्वेशन हो गए हैं संतत के समय, आपने देखा था 3 हो गया था, 4 हो गया था, 5 हो गया था। तो अब चूंकि आप एग्जामिनेशन हॉल में पन्ने पलटते रहेंगे तो इक्वेशन को गिनने के बजाय अब चूंकि अवकलनीयता की बात हम सोच रहे हैं तो आप नया इक्वेशन दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, कोई भी कोड दे सकते हैं। तो ये आर एस डी है जिसकी वैल्यू 1 हमने साबित की, उसका इक्वेशन हम अल्फा कह रहे हैं। तो बच्चों हमने आर एस डी देखा, आर एस डी जिसको आप एफ डैश पाई आर एफ डैश पाई कह रहे हो जिसकी वैल्यू 1 मिली, और इसको इक्वेशन नंबर अल्फा हमने कहा। अब इसी बिंदु एक्स बराबर पाई पर जो फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स की हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, और उसको हम एल एफ डैश पाई कोट कहते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। यहाँ स्पष्ट है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू पाई ऑफ द फंक्शन मॉड साइन एक्स, तो नो डाउट कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई हमें माइनस कहना पड़ेगा
और इसकी डेफिनेशन एफ एक्स माइनस एफ ऑफ पाई है और अपॉन एक्स माइनस पाई है। अब इक्वेशन नंबर टू पर बच्चों आप गौर करें, इसका मतलब क्या है? एक्सटेंडिंग टू पाई माइनस का मतलब है कि पाई से कम हमें यहाँ डिफाइन होते हुए दिख रहा है। मापांक फलन का मान साइन एक्स है, तो यहाँ पर इस केस में लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई माइनस के केस में, पाई से कम के केस में हम इसको साइन एक्स यूज कर सकते हैं और माइनस एफ ऑफ पाई एक्स इज इक्वल टू पाई पर उसकी वैल्यू जीरो नजर आ रही है तो आप डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं अपॉन एक्स माइनस पाई। इस बात पर आप गौर करें जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए हम एल एस डी इज इक्वल टू हम लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस कहेंगे। ये कैसे हुआ होगा? यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि एक्स बराबर हमको पाई माइनस है यहाँ, तो पाई माइनस एच मानना पड़ेगा और चूंकि लिमिट यहाँ एक्स टेंडिंग टू पाई से कुछ कम है तो नो डाउट कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो से कुछ ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए यहाँ लिमिट जीरो प्लस लिखा जाता है, जिसका मतलब जीरो से ज़्यादा पर हम जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से बच्चों देखिए कि साइन ऑफ पाई माइनस एच हम लिखेंगे, ये तो जीरो है, अपॉन पाई माइनस हम एच लिखेंगे और माइनस पाई लिखेंगे और इसको कैलकुलेशन करने पर हमें लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो की जो वैल्यू है, साइन पाई माइनस एच क्या होता है? साइन एच होता है। साइन पाई माइनस थीटा बराबर प्लस साइन थीटा होता है। तो बच्चों इसकी लिमिट को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम सिंप्लीफाइड कर रहे हैं तो इसमें स्पष्ट है कि ये माइनस एच साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा था, जिसके कारण यहाँ पर पॉजिटिव आ गया और नीचे ये माइनस एच है तो माइनस आए। ये माइनस साइन को हम बाहर निकाल दें तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच है। ये जीरो प्लस का मतलब हम जीरो से ज़्यादा से जीरो की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो जब इस लिमिट को हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये लिमिट माइनस तो सामने है, माइनस वन है मान लीजिए, और इसकी लिमिट वन है। तो कुल मिला के हमें ये पता लग रहा है कि एक्स बराबर पाई पर जो उसकी एल एस डी है, जिसको कोड हम कह रहे हैं कि एल एफ डैश ऑफ पाई, वो हमको मिल रही है माइनस वन। माइनस सामने है और इसकी लिमिट वन है, तो माइनस वन हमको इसकी लिमिट मिल रही है। इसको हम इक्वेशन नंबर बीटा कह दें। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि एक्स बराबर पाई पर इस बिंदु पर, डोमेन के इस बिंदु पर जो फंक्शन है उसका आर एफ डैश ऑफ पाई वो है वन, और आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू पाई पर बीटा इक्वेशन से, ये अल्फा इक्वेशन से वन है, और बीटा इक्वेशन जो सॉल्व करके आपको बताया उसकी जो वैल्यू है वो माइनस वन मिल रही है। इसका मतलब आर एस डी इज नॉट इक्वल टू एल एस डी, और अच्छे से सिंप्लीफाई करना है, आर एफ डैश पाई इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश पाई। क्यों? बाजू में एग्जाम में लिख देना समीकरण अल्फा और बीटा से, कैसे कि वन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। तो हम ये देख रहे हैं बच्चों कि इस प्रश्न में हमको वो फंक्शन जो है, क्वेश्चन नंबर सेवन डबल क्वेश्चन उसमें है कि एक्स बराबर पाई पर वो संतत तो है लेकिन एक्स बराबर पाई पर वो बिंदु अवकलनीय नहीं है। ऐसे ही और सारे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे मापांक फंक्शन होते हैं, मॉड फंक्शन होता है, वो एक्स बराबर जीरो पर संतत तो है लेकिन
अवकलनीय नहीं है। तो जहाँ पर कुछ अचानक चेंज आता है, ये मापांक फलन का ग्राफ मैंने आपके सामने कहा कि ये इसको इसका नेगेटिव वैल्यू को प्लस कर दे, तो ये है मापांक फंक्शन का। तो इस बिंदु पर सडनली चेंज हो रहा है, यानी नोक बन रही है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बच्चों ध्यान रखना, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस ग्राफ को देखकर इतना सारा बड़ा कैलकुलेशन हमने किया, इतना देर आपको लगा, तो इस बिंदु पर मापांक फलन की वैल्यू में कोना बन रहा है, यहाँ कोना बन रहा है। तो जिस बिंदु पर कोना बन रहा है पाई पर, यहाँ जीरो पर मापांक फलन में, तो मापांक फलन जहाँ कोना बनता है, ग्राफ से ही देखकर हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि वो फंक्शन संतत तो है, लेकिन नोक वाले बिंदु पर, जैसे एक्स बराबर जीरो पर मापांक के मॉड फंक्शन के केस में और मॉड ऑफ साइन एक्स के केस में, जहाँ पर नोक बनती है वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, अवकलनीय नहीं होता है। अब इस प्रश्न को हल कर आपने देखा कि मॉड फंक्शन जो है एक्स बराबर पाई पर संतत तो है, परंतु एक्स बराबर पाई पर अवकलनीय नहीं है। तो इसी के लेवल का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7- आपके लिए मैं ग्रह होमवर्क दे रहा हूँ, ग्रह कार्य है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 से वो मिलता जुलता है, इसलिए मैं उसको क्वेश्चन नंबर 7- कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7- प्रस्तुत है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि फलन फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x, मॉड के अंदर cos x लिखा है, बिंदु x बराबर पाई बाई टू पर संतत तो है, परंतु इसी बिंदु x बराबर पाई बाई टू पर अवकलनीय डिफरेंशिएबल नहीं है। ये सेम क्वेश्चन नंबर 7 जैसा आपको बनाना है, ये आपके लिए ग्रह कार्य है बच्चों, और ये क्वेश्चन नंबर 7 से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर अब हम थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम ले रहे हैं बच्चों, ताकि आपकी अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन की पूरी तैयारी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 8 बनाने से आप संपूर्ण रूप से परिपक्व हो जाएंगे किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की जांच में। तो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 7 आपने किया, तो उसमें हम एक आपको होमवर्क भी दे दें, तो इस क्वेश्चन को आप बना के देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7- उसको हम होमवर्क के रूप में आपको बोर्ड पर बता रहा हूं कि y बराबर fx इज इक्वल टू मॉड cos x, सेम क्वेश्चन 7 जैसा होगा, x बराबर पाई बाई x बराबर मापांक फलन में हम ये कह सकते हैं मॉड cos x में कि x बराबर पाई बाई 2 पर संतत तो है, कंटिन्यूअस तो है, संतत तो है, जैसे अभी आपने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा मॉड ऑफ साइन एक्स, मैं अब मॉड ऑफ cos x की बात कर रहा हूं, और x बराबर पाई पर संतत तो है, लेकिन लेकिन x बराबर पाई बाई 2 पर अवकलनीय नहीं है। ये आपको हम ग्रह कार्य दे रहे हैं बच्चों, नहीं है अवकलनीय नहीं है, ये आप नोट करेंगे, नहीं है ये, जैसे कि मॉड साइन एक्स जो है एक्स बाय पाई पर संतत तो है, लेकिन एक्स बाय पाई पर अवकलनीय नहीं है। तो कॉस के मॉड कॉस के ग्राफ में आप जब ध्यान देंगे, तो एक हिंट के तौर पर नोट कर लें कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, और कॉस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू -1 होती है, और कॉस 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, और ये 2 पाई की वैल्यू फिर से 1 हो जाती है, ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, और ये पाई है 3 पाई बाई 2, और ये 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, और ये 3 पाई बाई 2 होती है, और पाई पर 3 पाई बाई 2 पर जो है वो 0 होगी, और पाई के केस में -1 होगा। तो ग्राफ में हिंट के रूप में नोट कर ले, ये +1 होगा, यानी कुल मिलाकर कॉस 0 की वैल्यू +1 है,
पाई बाय टू कॉस की वैल्यू माइनस वन है, कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन है, कॉस थ्री पाई बाय टू की वैल्यू जीरो है और कॉस टू पाई का मान वन है। तो आपको इस बिंदु पर कॉन्सेंट्रेट होने कह रहा है। इसके लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट को आप ध्यान रखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, ये सारी वैल्यू आपको जीरो मिलेगी। तो संतत तो है पाई बाय टू पर, लेकिन जब आप पाई बाय टू के राइट हैंड डेरिवेटिव को आर एफ डैश पाई बाय टू को कैलकुलेट करेंगे, ये बराबर नहीं मिलेगा आपको एल एफ डैश ऑफ पाई बाय टू। ये इस फंक्शन की बात हम आपको बता रहे हैं। ये सेम क्वेश्चन सातवें जैसा है, इसलिए इसका कोड हमने सेवन डैश दिया है। बच्चों ये आपको जो भी लिमिट मिलेगी आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपको ग्रह कार्ड दिया गया है।